नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृति भद्राय नियतां भद्राश्वतां। प्यारे मित्रों, जय श्री राम, जय माता दी। मैं मित्रों आचार्य अजय द्विवेदी आपसे चर्चा करता हूँ होलिका दहन की। रात्रि को दीपावली और नवरात्र शिवरात्रि के समान महत्व दिया गया है। शास्त्रों में इसे वर्ष की चार महारात्रियों में से एक रात्रि बताई गई है। यह ऐसी रातें हैं जब आप अपने सोए हुए भाग्य को जगा सकते हैं। ज्योतिष एवं धार्मिक मामलों के विशेषज्ञ और पंडित और ज्योतिर्विद शास्त्रियों का ऐसा कहना होता है कि इस रात में साधना करने से अन्य दिनों की अपेक्षा शीघ्रता से फल प्राप्त हो जाया करता है। होलिका दहन की रात वैदिक विधि विधान के अनुसार आपको भी कुछ उपाय करने चाहिए जो रोग एवं आर्थिक परेशानियों के साथ कई अन्य तरह की समस्याओं से भी छुटकारा प्राप्त हो सकता है। होलिका की राख से करें यह काम। होली की राख को घर के चारों ओर दरवाजों पर छिड़के। ऐसा करने से घर में नकारात्मक शक्तियों का घर में प्रवेश नहीं होता। माना जाता है कि आपके घर में सुख समृद्धि आती है, दूर करें उन्नति में आने वाली बाधा। होलिका दहन की रात घर के सभी सदस्यों को सरसों के तेल का उपटन बना करके पूरे शरीर पर मालिश करना चाहिए। इससे जो भी मैल निकले उसे होलिका में डाल दें। ऐसा करने से जादू टोने का असर आपके ऊपर समाप्त हो जाता है और शरीर भी आपका स्वस्थ रहता है। नहीं लगेगी किसी की नजर। गाय के गोबर से अरसी कुश मिला करके छोटा उपला बनाया जाता है, इसे घर के मुख्य द्वार पर लटका दें। ऐसा करने से नजर दोष बुरी शक्तियां टोने टोटके घर और घर में रहने वाले लोग सुरक्षित रहते हैं। भगवान शिव की कृपा से कामयाब होलिका दहन के बाद अगली सुबह यानी धुलेड़ी के दिन होलिका की राख को अपने माथे पर लगाएं। इसे लगाने का सही तरीका है कि बाईं ओर से दाईं ओर तीन रेखाएं खींचे, इसे त्रिपुंड कहते हैं। इसे लगाने से 27 देवता प्रसन्न होते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि पहली रेखा के स्वामी जो है महादेव, दूसरी रेखा के स्वामी महेश्वर और तीसरी रेखा के स्वामी शिव। होली पर क्या करें अगर विवाह में रुकावट हो रही। होली की रात एक आसान सी पूजा विवाह में आ रही समस्याओं को दूर करती है। कुंडली के यदि कोई दोष हैं, दोषों के कारण कई प्रकार के कई प्रयासों के बाद भी विवाह नहीं हो पा रहा है, तो होली की रात एक आसान पूजा विवाह की समस्या को दूर कर देगी। वह उपाय किया जाता है, होली की रात में एक पान का पत्ता, साबुत, एक साबुत सुपारी, हल्दी लेकर के शिव मंदिर जाएं और पान के पत्ते पर सुपारी और हल्दी की गांठ को रख करके शिवलिंग पर अर्पित कर दें। इसके बाद अपने घर आएं। लौट करके जब आएं तो पीछे मुड़ करके ना देखें। यही प्रयोग अगले दिन अर्थात धुलेड़ी वाले दिन भी आपको करना चाहिए। तो अगर शादी की समस्या में आपको दिक्कत आ रही तो इस प्रयोग को करिएगा, आपको लाभ मिलेगा। मित्रों, हमने ये जो उपाय आपको बताए हैं ये करेंगे तो आपको निश्चित ही लाभ की प्राप्ति होगी। पुनः मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय माता दी, जय माता।